रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एप्पल मैक्स ट्यूब। सो जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आलूचे की बाग की सैर कराने जा रहा हूं। इस दफ़ा चूँकि आलूचे बहुत ज़्यादा हुए नहीं, क्योंकि दो दफ़ा यहां पे पेशावर पे तूफ़ान आया हुआ था, तो इसकी वजह से पल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए हैं। पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा पल हुआ था, जो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा पल नहीं मिला देखने को, क्योंकि तूफ़ान आया हुआ था। तो ख़ास दाने पल दरख्तों पे मौजूद है, लेकिन उस तरह के नहीं है जिस तरह के पिछले मौसम में हुआ था। तो जी दोस्तों, अगर आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ अब इस बाग के बारे में मज़ीद। ये बाग जो है ये बहुत वसी पैमाने पर फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है ये बाग, और आप इसे देख सकते हैं, ख़ुद आप इसे देख सकते हैं। होप आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको मैं आलूचे भी दिखाने जा रहा हूँ, आलूचे भी दिखाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं अगर मुझे मिले तो। हाँ, ये आप देख सकते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा हुए नहीं, आप इसे खूब देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दफ़ा पल जो है वो बहुत कम हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं, अभी ये कंप्लीट जो है वो पके नहीं हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं पल जो है वो तकरीबन पका हुआ है। आप देख सकते हैं आलूचे को, और आप यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाग जो है बहुत वसी पैमाने पे है, तो इसे आप खुद देख सकते हैं। ये देख लीजिएगा आप इस बाग को, इस बाग को अगर आप इस साइड से देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा, और अगर आप इस एंगल से देखें तो बिल्कुल इस एंगल से भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा। इस पे बहुत टाइम लगा हुआ है इसको बनाने में, तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखा ही लेता हूँ। जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आलूचे जो कंप्लीट अभी पके नहीं हैं, इस पे टाइम है पकने में, इसका बहुत वक्त है अभी। ये आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं कि इस दफ़ा कितना पल जो है हो गया है। तकरीबन इस दरख्त में यही आलूचे देखने को मिलेंगे आपको, तकरीबन 4-5-6 आलूचे देखने को मिलेंगे, क्योंकि तूफ़ान की वजह से पलों का जो वो था वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये जो दूसरा दरख्त है, इस पर भी यही सूरत हाल है, आप देख सकते हैं खुद।